अजब गजब घर जमाई। अरे चिंटू जल्दी करो, हमें देर हो रही है। वो कौन सा बड़ा राज बताने वाले थे, जल्दी बताओ। नानी जी, राज कुछ ऐसा है जो मैं बताना तो बहुत पहले चाहता था लेकिन बता नहीं पाया क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था। आपको सबूत चाहिए होता है? हाँ वो तो है। लेकिन इस बार मेरे पास ऐसा सबूत है जिसके बाद सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा नाना जी। चलो है, क्योंकि अभी तक जो दिखता था वो है नहीं और जो है वो आप लोगों को पता नहीं। नानी जी मैं तो बता रहा हूं, मैन मौके पे एन मौके पे कुंज बिहारी जी ने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। जल्दी जल्दी, उन्हीं की कृपा से इस सच्चाई से पर्दा उठेगा आज। जल्दी उठाओ भाई। तो बेटा हमें समझ भी नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाह रहे हो। देखो हमारे भेजे में नहीं आ रहा, जो कुछ कहना खुल के समझाओ, खुल के बताओ। आप सब लोग ध्यान से इसको देखिए, हैं? इसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी कुछ भी समझाने की जरूरत पड़ेगी। सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। नाना जी सबको दिखाओ और पीले का बटन दबाओ। हाँ सबको दिखाओ, वहां रखो। हाँ रखो ना टेबल पे पन्ना जी। बेटा ये सब क्या है? हमने सोचा था तुम किसी चीज का राज खोल रहे, कुछ राज खोल रहे। ये किसका राज खोल रहे? सैफ अली खान का या अक्षय कुमार का? अरे ये वाहियात गाने दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो तुम? साडू भाई आप तो किसी की पोल खोल रहे थे, कुछ दूध का दूध पानी का पानी। अब पूछे ना नानी जी इनसे किसकी पोल खोलनी है। जल्दी बोलो, देर हो रही है हमें चिंटू चौटाला। नानी जी बस एक सेकंड और लूंगा आपका। आपको याद होगा बड़े लाल जी हमारे हैं अन्नदाता, क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे ना कि पड़ोसियों का नौकर आता है राधे शाम, दूध लेने के बहाने आता है, कब चुरा के चला जाता है। आपने भरोसा नहीं किया, आपने कहा था कि सबूत वबूत का चक्कर है। मेरा दिमाग काम कर गया सही टाइम पे नानी जी। मैंने ये ना कैमरा रसोई में छुपा के रख दिया ताकि पकड़ लें कपों का क्या चक्कर है भाई। अगर बड़े लाल जी से टूट रहा है तो भी कैद हो जाएगा, और अगर वो राधे श्याम चुरा के जा रहा है तो भी कैद हो जाएगा। हुआ नहीं लेकिन कैद, कोई बात नहीं बड़े लाल जी, अगली बार सावधान। बेटा चंट, चिंटू चौटाला तुम ये बात जानते हो ना कि हमारा वक्त कितना कीमती है। तुम्हारी तरह फालतू हरकतें करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। किचन में रख दिया, रसोई में रख दिया, पड़ोसी का नौकर आ रहा उसके बर्तन चोरने का वीडियो बना रहे हो तुम। हमको दुकान पे जाना है और तुम भी चलो हमारे साथ, पुलिस में रिपोर्ट लिखानी है जो तुम पर हमला हुआ है। उसकी जरूरत नहीं है नानी जी। वो नानी जी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे साथ ना भद्दा मजाक कर रहा है। आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। ये सब तो ऐसे गली कूचे में देख लेता हूँ मैं, आपको तो पता ही चिंटू चोटा लगा है। आप चलो नानी जी बाहर तक पहुंचो, मैं आता हूँ कागज पत्र लेके दुकान के, वो हिसाब वाले आ रहे हैं आज। इंद्री बेटा कुछ जरा कुछ बना दे, बड़ा जवान चटोरी कुछ मांग रही है। आओ आओ, हाँ पकौड़े बना लो। बड़ी बेवकूफी की मुझे अंडर एस्टिमेट करके सारू साहब, शक तो मुझे पहले ही हो गया था कि कुछ तो जान गए आप, इसीलिए तो सावधान हो गए और इसीलिए फोन पर बात होने के बाद छुप कर देखा आपको, रिकॉर्डिंग चेक कर रहे थे। तब पता चला कि आप कुछ तो नहीं, सब जान गए हमारे बारे में और ये सारा ड्रामा रिकॉर्डिंग करके मुझे एक्सपोज करने की आपकी चाल थी। इसलिए आपके सो जाने के बाद
वापस आके कमरे में आई और रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। वैसे जो हुआ अच्छा ही हुआ साडू साहब, अब आएगा मजा खेल का, क्योंकि खिलाड़ी हम भी नंबर वन है साडू साहब। सही कहा भाई साडू, खिलाड़ी तो नंबर एक ही हो, लेकिन मुश्किल है कि नंबर एक तो एक ही होता है और वो हूं मैं, चिंटू चौटाला। जल्दी पता चल जाएगा किससे पाला पड़ा है, पतंग तो काट के ही रहूंगा। देखते हैं साडू साहब कि किसकी पतंग कटती है और कौन परवाज करता है, क्योंकि आप हैं, हम भी किसी से कम नहीं साडू साहब। और कम तो चिंटू चौटाला भी किसी से नहीं। चिंटू अजब गजब।